पिछोर के जनपद कार्यालय के सभागार में आज पिछोर थाना प्रभारी रत्नेश सिंह यादव ने मुहर्रम के त्यौहार को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। पिछोर थाना प्रभारी रत्नेश सिंह यादव के नेतृत्व में आज शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी मुहर्रम के त्यौहार को लेकर शांति व्यवस्था बनाने एवं शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार सम्पन्न हो। बैठक में नगर के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं पत्रकारगण बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में थाना प्रभारी ने नगर के लोगों से मुहर्रम के त्यौहार को लेकर सुझाव मांगे एवं हर एक बिंदु पर चर्चा की गई। 16 तारीख की रात में नगर में ताजे निकाले जाएंगे। 17 तारीख में सुबह 11 बजे से नगर के प्रमुख मार्गों से ताजे निकाले जाएंगे और करवला पर जाकर समापन किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही साथ नगर परिषद द्वारा अन्य व्यवस्था भी की जाएंगी। मुस्लिम समाज के भाइयों ने बताया कि लगभग छोटे बड़े मिलाकर 12 ताजे निकाले जाएंगे, जिसमें एक खुराक होगी। वही इसी तरह से आज थाना प्रभारी द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। सर, आज शांति समिति की बैठक की गई, इसमें क्या कहना है आपको? आगामी मुहर्रम के त्यौहार को लेकर के ये मीटिंग ली गई थी, जिसमें रूट को लेकर के और व्यवस्थाओं को लेकर के और शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण यह संपन्न हो, उसको लेकर के जो है गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु और जनप्रतिनिधियों और ताजियेदारों से जो है मीटिंग ली गई। मीटिंग शांतिपूर्ण संपन्न हुई? हाँ, शांतिपूर्ण संपन्न हुई। कुछ सुझाव मिले, कुछ निर्देश भी हमने दिए, जिनका अभी हम जाकर के रूट चेक करके उसको अमल में ले आएंगे। धन्यवाद।